Hello everyone, are you a native parent looking for a content online which are very detailed and very simplified, a type of content which remove all the doubts from your mind, a type of content which help you develop understanding of the subject? So you are on the right channel. Just be with me, because today onward I am going to upload a series of video lectures of NEET Biology. The videos are going to be very premium. What you have to do is just follow the sequence of all the video lectures. At the end of the video, you are going to cover each and every point of NCERT and all the previous year's questions in the video lectures itself. So just be with me to subscribe to my channel. Today we will start from ecology. Happy learning. Ecology हमारे biology का 10th unit है और NEET perspective से बहुत ही ज़्यादा important. अगर complete human physiology के बाद सबसे ज़्यादा question अगर biology में आता है NEET में, तो वो है ecology और genetics. तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे. ऑन एन एवरेज 8 से लेके 12 क्वेश्चन तो डेली हर ईयर आता ही है इस पार्ट से. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे. इकोलॉजी के फादर बोला जाता है रिटर को. ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी रिटर. टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज बाय अर्नेस्ट हैकल. हैकल ने फर्स्ट टाइम यूज करा था और फादर बोला जाता है रिटर को. अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को बोला जाता है. ये इन्हीं का है ये फोटो. प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी, इन्होंने इंडिया में इकोलॉजिकल स्टडी का इनिशिएशन किया था. ठीक है, ये BHU के बोटनी डिपार्टमेंट में सबसे पहले इन्होंने इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था एज ए सब्जेक्ट, और तभी से हमारे कंट्री में इकोलॉजिकल स्टडी शुरू हो गया. ठीक है, इनके बारे में NCERT में दिया हुआ है. अब इकोलॉजी अगर हम पढ़ें तो इकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का रिलेशन को हम इकोलॉजी बोलते हैं. मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है, क्या रिलेशन बना रहा है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, है ना. ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो दो टर्म आ रहा है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? या एक ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या माइक्रोब्स होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, है ना. तो वो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या माइक्रोब्स होगा. सारे ऑर्गेनिज्म यही है, फोर्थ और कुछ नहीं है, है ना. तो प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन. इन्वायरमेंट क्या होता है बताओ? हमारा सराउंडिंग हमारा इन्वायरमेंट है. हमारा सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, बायोटिक चीज़ें हैं, एबायोटिक चीज़ें हैं. बायोटिक चीज़ें क्या है? मैं हूँ और इंसान है, डॉग्स है, कैट्स है, अदर एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, ये सारे बायोटिक चीज़ बनाए. ठीक है, इन्वायरमेंट में रह रहे हो आप, ऑक्सीजन ले रहे हो, एयर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, टेम्परेचर है, सॉयल है, ये सारे क्या हुए? एबायोटिक फैक्टर्स हैं, है ना. तो इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग को बोलते हैं. उसमें बायोटिक चीज़ें भी हो सकती है. बायोटिक फिर से या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या माइक्रोब्स होगा. ठीक है, और या फिर एबायोटिक होगा. एबायोटिक के अंदर आ जाता है लाइट, टेम्परेचर, सॉयल, एयर, ये सारी चीज़ें हमारी एबायोटिक फैक्टर बनाती है इन्वायरमेंट की, है ना. तो मतलब प्लांट का दूसरे प्लांट से इंटरेक्शन, प्लांट का एनिमल से इंटरेक्शन, प्लांट का माइक्रोब से इंटरेक्शन, प्लांट का लाइट से इंटरेक्शन, प्लांट का टेम्परेचर से इंटरेक्शन, यही सब चीज़ पढ़ते हैं इकोलॉजी में. एक प्लांट का दूसरे प्लांट से इंटरेक्शन, एक प्लांट का दूसरे एनिमल से इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन हो गया. एक प्लांट का लाइट से इंटरेक्शन, टेम्परेचर से इंटरेक्शन, सॉइल से इंटरेक्शन, ए बायोटिक इंटरेक्शन हो गया. एक एनिमल का उसके दूसरे प्लांट से इंटरेक्शन, दूसरे एनिमल से इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन. एक एनिमल का लाइट से इंटरेक्शन, टेम्परेचर से इंटरेक्शन, है ना. तो यही है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, या फिर उसके एबायोटिक इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, है ना. यहाँ पे दो वर्ड यूज किया मैंने कि इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड. आपस में रिलेटेड है. क्यों है? आप एक रूम में बैठे हो, हीटर चला दिया, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपको गर्मी लगने लगेगी, आप स्वेट करने लगोगे. मतलब इन्वायरमेंट से हम रिलेटेड है. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, हम स्वेट करने लगे. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो. एक रूम में आप अकेले बैठे हुए हो, फिर 10 लोगों को आकर बैठा दिए यहाँ पे. ठीक है, 10 लोग आ गए, ज्यादा रिस्पिरेशन करेंगे, ज्यादा CO2 छोड़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा. मतलब हमारे कारण इन्वायरमेंट गर्म हो गया, मतलब हमसे रिलेटेड है इन्वायरमेंट, है ना. तो क्या हुआ? इंटर रिलेटेड है हम अपने इन्वायरमेंट से, राइट. इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? आप प्लांट पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए, आप प्लांट पे डिपेंडेंट हो ऑक्सीजन के लिए, आप एनिमल पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए, है ना.
आप लाइट पे डिपेंडेंट हो कि लाइट आएगा वो प्लांट फूड बनाएगा उसको हम खाएंगे, आप टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, है ना, वैसे ही आप एयर पे डिपेंडेंट हो, अगर एयर में ऑक्सीजन ना रहे तो आप ब्रीद नहीं कर पाओगे ढंग से, है ना। तो क्या हुआ, आप इंटरडिपेंडेंट हो अपने इन्वायरमेंट के साथ और इंटर रिलेटेड हो, और इसे इंटरडिपेंडेंसी और इंटर रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, है ना। तो ये तरीके का इंटरेक्शन होता है। अगर हम इकोलॉजी वर्ड में जाएं तो इकोलॉजी की देखोगे तो ये दो वर्ड से बना है, इकोलॉजी, है ना। इको वर्ड डिराइव हुआ है ओइकस वर्ड से, ओइकस, ओइकस मतलब होता हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होम, ठीक है। एंड लोगी वर्ड लोगोस से बना हुआ है, लोगोस मतलब होता है स्टडी, बायोलॉजी, बायो का लाइफ का स्टडी, वैसे ही स्टडी मतलब किसी के हैबिटेट का स्टडी करना, किसी के होम का स्टडी करना, इकोलॉजी है टर्म के अकॉर्डिंग, है ना। हैबिटेट होता क्या है, अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, कोई जंगली जानवर है तो उसका हैबिटेट, उसका होम जंगल हो गया। आप ओशियन में गए, वहां पे शार्क मछली है, उसका हैबिटेट ओशियन हो गया, है ना। आप किसी ग्रासलैंड में गए, वहां का एनिमल, वहां का हैबिटेट ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए चलिए हम एक फॉरेस्ट में चलते हैं, ठीक है। ये हम टिपिकल फॉरेस्ट में आ गए, सिली सा डाइग्राम, इस पे मजा है, ठीक है। ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एलिफेंट है ना, क्रोकोडाइल है, फिशेज है, मंकीज है, प्लांट्स है, वाटर है, सॉयल है ना। तो इसमें बायोटिक चीज़ें भी हैं, एबायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये आपस में इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, ये एनिमल, एयर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को ब्रीद कर लिया, ब्रीद इन कर लिया, ठीक है। तो मतलब एयर का इस एनिमल के साथ इंटरेक्शन हो गया, है ना। अब ये भी प्लांट है, प्लांट को क्या किया, एनिमल खा गया, तो मतलब प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन। ये मछली है, पानी में रह रही है और पानी से ऑक्सीजन ले रही है, पानी से कुछ ले रही है, तो पानी और मछली का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। ये प्लांट क्या ले रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो प्लांट ये ले रहा है और यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो एनिमल और प्लांट का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये प्लांट या एनिमल कभी मर जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर ये मिट्टी में चला जाएगा। इसको डिकम्पोज करेगा कौन, माइक्रोब्स। तो प्लांट और एनिमल का माइक्रोब से रिलेशन हो गया ये, ठीक है। अब ये माइक्रोब न्यूट्रिएंट्स बना देगा सॉयल में, अब ये सॉयल में न्यूट्रिएंट्स चला गया, अब ये न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब सॉयल का इंटरेक्शन प्लांट से, ठीक है। तो देख रहे हो ना, सारे कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है, एनिमल प्लांट पे, प्लांट एनिमल पे, लाइट पे, वाटर पे, सॉयल पे, है ना। इसी रिलेशनशिप को तो इकोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अगर देखो अब एनिमल का प्लांट से इंटरेक्शन, लिविंग का इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, प्लांट का सॉयल से इंटरेक्शन, एबायोटिक इंटरेक्शन, है ना। मतलब दो लिविंग बीच के बीच का इंटरेक्शन बायोटिक, और नॉन लिविंग बींग अगर उसमें आ गया इंटरेक्शन होगा तो अबायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। ये सारे आपस में प्लांट एनिमल पे, एनिमल प्लांट पे, प्लांट माइक्रोब पे, एनिमल माइक्रोब पे, एनिमल्स वाटर पे, है ना, प्लांट वाटर पे, वाटर एनिमल पे, मतलब सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कोई भी अकेले सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और इसी इंटरडिपेंडेंसी और इसी इंटर रिलेशन को इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी की बात माने तो एनसीईआरटी हमारा बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में आइसोलेटेड सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप बोलोगे नहीं सर हम कर सकते हैं, आप जिद किए, आप जाके पार्क में अकेले बैठ गए, किसी से बात नहीं किया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, अकेले जाके कोने में बैठ गए। अब बोलोगे सर मैं तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा किसी से, मतलब मैं अकेले एग्जिस्ट कर गया, आप कैसे बोले थे कि मैं नहीं कर सकता। आप अकेले भी बैठे हो ना, फिर भी आप ब्रीद कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो आपका आपके ए बायोटिक इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो गया। आप कोई कुछ टेम्परेचर फील कर रहे हो, आपका टेम्परेचर से इंटरेक्शन हो गया, ए बायोटिक इंटरेक्शन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, कोई भी हो, बिना अपने इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम एनसीईआरटी में आए तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ये लाइन दिया हुआ, जनरली इकोलॉजी को उन्होंने अलग तरीके से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। उन्होंने पहले एग्जाम्पल लिया है बुलबुल का, ये बुलबुल बर्ड है, ठीक है, ये सुबह बहुत ही मधुर आवाज में गाती है, ठीक है,
बहुत मधुर आवाज में गाएगी, प्यारा प्यारे आवाज में। तो क्वेश्चन दो एराइज होता है एज ए साइंटिस्ट कि अगर ये चिड़िया गा पा रहा है तो कैसे गा पा रहा है ना, चिड़िया बर्ड होके गा पा रहा है ना। पहला क्वेश्चन ये कैसे गा पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन होता है ये क्यों गा रहा है, गा ही क्यों रहा है, क्या जरूरत है गाने का, है ना। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्यों गा पा रहा है, इसका आंसर देता है फिजियोलॉजी। अगर हम इसका फिजियोलॉजी को पढ़े तो जाएंगे अच्छा इसके अंदर साउंड बॉक्स है, वो साउंड बॉक्स में साउंड वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और जिसके कारण साउंड क्रिएट हो पा रहा है और गा पा रहा है, तो इसका आंसर देता है फिजियोलॉजी। लेकिन गाने का रीजन क्या है, गा क्यों रहा है, इसका आंसर देता है इकोलॉजी। और इसका आंसर ये है कि वो गाना गाता है ताकि अपने मेल पार्टनर को मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सके। सुबह सुबह जाएगा और गाना शुरू कर देगा, मेल पार्टनर सुनेगा कि हाँ कहीं से आवाज़ आ रहा है तो गाना सुन के वो आ जाता है वहाँ पर और मीटिंग कर लेते हैं वो दोनों, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि मीटिंग के लिए अपने पार्टनर को बुलाने के लिए वो गाती है, ठीक। और इसका स्टडी हम लोग इकोलॉजी में करते हैं, मतलब बर्ड कैसे क्यों गा रही है, बी कैसे नेक्टर को ढूंढ पा रही है, कैसे एनिमल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे प्लांट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यही इन्वायरमेंट की स्टडी, दूसरे एनिमल के बिहेवियर को, ये सारे इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में नीचे दिया है जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई आर नाइट बुलबिंग फ्लावर जनरली वाइट। रात में खिलने वाली जो फूल होते हैं जनरली वो वाइट कलर के क्यों होती है। देखिए वाइट कलर इसलिए होती है क्योंकि जब चांदनी रात होता है ना, फुल मून होता है, तब क्या होता है कि मून का लाइट उस पर पड़ता है जिसके कारण वो चमकने लगता है, साइन करने लगता है। तो जब साइन करता है ना तो कोई भी जो पोलिनेटर्स होता है वो दूर से उसको दिख जाता है कि वो है वहाँ पे फ्लावर है, वह जाकर वहाँ पे पोलिनेट कर देता है। तो उसके वाइट कलर के होने के कारण वो क्या, उसका पोलिनेशन हो गया, इसलिए जनरली वाइट होता है ताकि वो साइन करे और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे, इसका आंसर ये। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज इंसेक्टर नेक्टर। बी को कैसे पता कि किस फ्लावर में नेक्टर है, वहाँ पर जाके बैठ गया और नेक्टर सक कर लेता है। देखिए कोई भी जो नेक्टर वाला प्लांट होता है ना, या फिर कोई भी प्लांट, वो पोलिनेटर स्पेसिफिक होता है जनरली मैक्सिमम केसेस में, कि स्पेसिफिक होता है कि ये प्लांट का पोलिनेटर ये स्पेसिस कर रहा है, ये प्लांट का पोलिनेटर ये बी कर रहा है, ये प्लांट का पोलिनेशन ये एनिमल कर रहा है ना। तो स्पेसिफिक होता है, बी को भी पता होता है, ठीक है। और एक ही प्लांट से बहुत बार वो नेक्टर सक किया होता है ना, तो उसको उसका स्मेल पता होता है। तो जब भी ऐसा जब वहाँ से क्रॉस करेगा तो सिमिलर स्मेल जब आता है ना, तो बी समझ जाता है कि भैया यही प्लांट है जिसपे नेक्टर है, अलग ही स्मेल होता है नेक्टर का, तो स्मेल से समझ जाता है वहाँ पे आकर पोलिनेट कर देता है। अच्छा एक पता कर लिया, उसके बाद जो जिसने पता कर लिया कि नेक्टर इस फ्लावर में, अब वो क्या करेगा, बहुत सारे रैंडम मूवमेंट करते हैं, कोई एट से बना दिया ऐसे करके, है ना। तो उस रैंडम मूवमेंट के कारण जो उसके काउंटर पार्ट दूसरे बी होते हैं उनको भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा जी इस प्लांट में नेक्टर है, क्योंकि एक बी उसको सिग्नल दे देता है जिसके कारण और भी बीज आके वहाँ पे पोलिनेशन करना शुरू कर देते हैं, नेक्टर सक करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये कारण होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थ्रोन्स। ये कैक्टस प्लांट है, इसमें देख रहे हो सारे थ्रोन्स हैं नोखिलनों के लिए, क्यों होते हैं। क्योंकि पहला कारण तो कैक्टस डेजर्ट में होता है और डेजर्ट में पानी की बहुत ही कमी, ठीक है, पानी की कमी है और ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी का लॉस हो जाएगा, तो पानी के लॉस को कम करना है तो उनका जो लिप्स होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है इनटू थ्रोन्स। सरफेस एरिया घट गया, ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो गया, पानी लॉस बहुत कम हो जाता है, तो पानी बर्बाद नहीं होता क्योंकि पानी कंजर्व करना है उसको, पहला। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी जो जानवर होगा हर्बीवोर्स, ये क्या करेंगे ना, अगर इसमें थ्रोन नहीं होगा तो फट से आके इसको खा जाएंगे और ये ख़त्म, है ना। अब इसके अंदर थ्रोन आ गया, अब कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आके इसको खाएगा ना तो वो खा नहीं पाएगा क्योंकि थ्रोन इस पर लगे हुए हैं। तो प्रोटेक्शन भी देता है, वाटर के लॉस से बचाता है थ्रोन और प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, इसलिए थ्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर मदर। ठीक है, एक चिक होती है मुर्गी की बच्ची, वो अपने माँ को कैसे पहचान लेता है। एक मुर्गी की बच्ची हो गई ना, उसको हजारों के बीच में भी डाल दोगे ना तो अपने माँ को वो पहचान लेती है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो पहचान लेती है, सिमिलर होती है सब, तो हमें तो सारी चीज़ें एक ही जैसी लगती है ना, तो कैसे पहचान लेती है। तो इसके पीछे ये होता है ना, जब हैच होती है ये, जब चिक पहली बार जब अंडे से बाहर निकलती है तो माँ जब हैच करती है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी माँ हैच कर रही है। तो जब दुनिया में जब सबसे पहले उसका आँख खुलता है ना, सबसे पहले अपने माँ को देखती है, सबसे पहले अपने माँ के बॉडी स्मेल उसको सुनने को मिलता है, ठीक है, टच सबसे पहले माँ का होता है। तो पहला जो इम्प्रेशन होता है ना उसके शरीर का अपने माँ का होता है, स्मेल हो, टच हो, विजुअल्स हो,
तो उस तरीके से क्या होता है, अपने माँ का इम्प्रिंट उसके माइंड में बन जाता है, ठीक है, इम्प्रिंट। और पहला बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो पहला इम्प्रेशन माँ का होता है, तो माइंड उसे छप गया। अब कितनी हजारों लाखों चिकन हो फिर भी अपनी माँ को बचा लेगा, क्यों? क्योंकि उसके माँ के इम्प्रिंट्स उसके ऊपर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग, प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग के कारण चिकन अपने माँ को पहचान पाता है। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस ऑर्गेनिज्म में, अगर हम सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें या फिर सिंगल स्पीसीज के बारे में बात करें, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मेरा मेरे इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्टिकोलॉजी, या फिर सिंगल स्पीसीज, मैं इंसान हूँ, मैं होमोसेपियंस हूँ, मतलब होमोसेपियंस का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम स्पेसिस इकोलॉजी बोलते हैं या फिर ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्पेसिस इकोलॉजी भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि एक सिंगल स्पेसिस का इंटरेक्शन कर रहा है इन्वायरमेंट से, और यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, एक सिंगल स्पेसिस है ना। सीन इकोलॉजी में आओ, सीन इकोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है ना, इसमें ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसिस का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसिस विथ इज इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज सीन इकोलॉजी। मतलब सिर्फ होमोसेपियंस का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन ऑर्टिकोलॉजी, लेकिन पूरे लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ सिनिकोलॉजी है ना, पूरे लायन टाइगर कैट डॉग इनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ सिनिकोलॉजी, पूरे प्लांट कम्युनिटी का उसका एनवायरनमेंट से स्टडी सिनिकोलॉजी। और इसमें यूनिट ऑफ स्टडी कम्युनिटी होता है, क्योंकि पूरा एक कम्युनिटी का स्टडी करते हैं हम एनवायरनमेंट के साथ, और इसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और यूनिट होता है कॉमी निटी, ठीक। बहुत बार को समझ में नहीं आया तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ऑर्टिकोलॉजी का एग्जांपल बहुत एग्जांपल आसान, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होमोसेपियंस पे क्या होगा, अगर इसको हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिनिकोलॉजी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन का इफेक्ट इंसान पे स्टडी करें, ऑर्टिकोलॉजी। पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है एक लायन पे, ऑर्टिकोलॉजी। लेकिन उस पॉपुलेशन पॉल्यूशन का इफेक्ट पूरे प्लांट कम्युनिटी पे क्या हो रहा है, सिनिकोलॉजी। उस पूरे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन का इफेक्ट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, सिनिकोलॉजी। तो ये रहा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। थैंक यू।